आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम आलू की चाट बना रहे हैं। इसमें क्या क्या सामान यूज होगा वो मैं आपको बताती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। आलू की चाट बनाने के लिए हमने 5 छोटे आलू लिए हैं जिनको हमने उबाल लिया है। करीबन ये 250 ग्राम के करीब होंगे और 50 ग्राम पनीर, 10 से 15 अंगूर और 2 चम्मच बारीक वाली भुजिया, 1 चम्मच मीठी सौंठ और 1.5 चम्मच हरी चटनी, 1/4 चम्मच भुना जीरा, 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच चाट मसाला, तलने के लिए तेल। सबसे पहले हम आलू को छीलकर काट लेते हैं। पनीर को हमें छोटे छोटे पीसों में काटना है और अंगूर के हमें 2 पीस करने हैं। आलू, पनीर और अंगूर को हमने काट लिया है। हम चाट बनाना शुरू करते हैं। तेज गैस पर हमने पैन रख दिया है और इसके अंदर हम ऑयल डाल रहे हैं। करीबन 2 मिनट में हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम आलू डाल रहे हैं। इनको हमें सुनहरा होने तक तलना है। गैस धीमी कर लें। देखिए हमारे आलू थोड़े थोड़े सुनहरे होने शुरू हो गए हैं, लेकिन हमें अभी और करने हैं। हमारे आलू सुनहरे हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से पनीर को भी तल लेते हैं। इसको भी सुनहरे होने तक ही तलना है। पनीर सुनहरा हो चुका है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। चलिए हम अपनी चाट तैयार करते हैं। जो हमने आलू फ्राई करे हैं और पनीर फ्राई करा है वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर अंगूर, नमक, भुना जीरा, चाट मसाला, हरी चटनी और मीठी चटनी, इन सबको डालकर हम मिला लेते हैं। इनको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आप चाहें तो इसमें अनार के दाने, प्याज, टमाटर जो डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। इन सबको हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। जब कभी कुछ अच्छा सा अलग सा खाने का मन हो, चटपटा, तो हम इनको बना के खा सकते हैं। इसके ऊपर हम स्वाद के लिए थोड़ी सी बारीक वाली नमकीन डाल देते हैं। हमारी आलू चाट खाने के लिए तैयार है। खाना भी, खिलाना भी, मुझे कमेंट में बताना भी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।